200 सालों की पराधीनता के दौरान प्रेस पर लगे सेंक्शन, रोलेक्ट एक्ट जैसे कानून और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के चलते इस देश के फ्रीडम फाइटर ने जो सपना देखा था, उस सपने का परिणाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे एके स्वामी अय्यर, उन्होंने बोला था कि जो प्रस्तावना है या प्रेम्बल जो है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। आज हम पढ़ेंगे प्रेम्बल। प्रेम्बल क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रेम्बल छोटे पैग में वो बड़ा धमाका है जो किसी भी बड़े एग्जाम से लेके, एक छोटा टॉपिक है, एक पेज का टॉपिक है, किसी भी बड़े एग्जाम से लेके, यूपीएससी से लेके किसी भी छोटे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में प्रेम्बल को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि किसी भी एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इस बेसिकली प्रेम्बल है क्या? प्रेम्बल को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कोई मूवी होती है, मूवी से पहले उसका ट्रेलर आता है, तो उस ट्रेलर में उस मूवी के बारे में हमें मोटी मोटी नॉलेज हो जाती है कि इस मूवी के अंदर क्या है। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है वो है प्रेम्बल में, तो प्रियम्बल पढ़ने से हमें आइडिया हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या। अब हम जानते हैं कि जो प्रियम्बल है ये वर्ड आया कहाँ से। बेसिकली जो दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए का। यूएसए पहला कंट्री था जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो यूएसए ने ही पहली बार जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंक्लूड किया। उसके बाद दुनिया के किसी भी देश में अगर प्रियम्बल उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो यूएसए से ही ली गई है। इंडिया की जो प्रियम्बल है वो भी ऐसे ही है कि यूएसए से ली गई है। लेकिन जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उस पर ज़्यादा प्रभाव जो है ऑस्ट्रेलिया की जो प्रियम्बल है उसका दिखता है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल किस जगह है। देखो ये है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? प्रियम्बल है, पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, 22 पार्ट्स है ना, बहुत सारे आर्टिकल है, 395+। ऐसी जो प्रियम्बल है वो पार्ट से जस्ट पहले है। प्रियम्बल है सबसे पहले हो गई हमारी, पहले है प्रियम्बल, उसके बाद लिखे हैं पार्ट्स, उसके बाद लिखे हैं आर्टिकल्स, और सबसे लास्ट में लिखी है शेड्यूल। तो कुल मिला के इसको आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, इस सीक्वेंस को, प्रियम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल। हिंदी में उद्देशिका या प्रस्तावना वर्ड इसके लिए आपको मिल सकता है। ये आपको एक तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी, दूसरा एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं जो आपने बचपन से अब तक पढ़ी है 12th क्लास तक, उन सब में पहले जो पेज पे ये आपको मिलेगी। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि जिन बुक्स को आपने 7-8 सालों तक पढ़ा है और कल आप किसी इंटरव्यू में जाओ तो मे भी हो सकता है आपसे उम्मीद की जाए कि इतनी बुक्स पढ़ी हैं तो एटलीस्ट आपको प्रियम्बल याद होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे जस्टिस है, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस की बात की गई है, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस बताए गए हैं, लिबर्टी की बात की गई है, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी बताई गई है, इक्वलिटी बताई गई है, 2 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी बताई गई है, फ्रेटर्निटी है ना, और लास्ट में एक डेट मेंशन की गई है, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949, ये वो डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, मतलब जो प्रियम्बल है उस दिन लागू नहीं हुई थी, लागू हुई थी ये 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उस दिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा है रिपब्लिक, और रिपब्लिक हम बने थे 26 जनवरी 1950 को, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये लागू हुई थी 26 जनवरी 1950। दूसरा जो ये हिंदी वाली प्रेम्बल है इसमें एक डेट और लिखी है, ये भी किसी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, जैसे लिखी है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। तो हम जानते हैं प्रियम्बल की हिस्ट्री क्या रही है। देखो वैसे तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था
उसमें भी एक प्रियम्बल थी, लेकिन ये जो प्रियम्बल है ये उससे अलग है। इसमें क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी, ये उस टाइम की फोटो है। तो इसके 4 दिन बाद, 9 दिसंबर 1946 के 4 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 में, नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एडॉप्ट कर लिया। आगे चल के 26 नवंबर 1949 को इसी को शामिल कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उस दिन इसको लागू नहीं किया गया, एडॉप्ट किया गया था, लागू किया गया था इसको 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ मैंने आपको कुछ डेट्स बताई, जैसे 13 दिसंबर 1946 ये डेट थी जिस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था। फिर एक डेट है 22 जैन 1947, ये वो डेट है जिस दिन जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसको एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। इसके बाद 26 नवंबर 1949 ये वो डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, तो उसके साथ जो है प्रीएम्बल को भी एडॉप्ट किया गया था, और यही 26 नवंबर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1950 में जो है हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। प्रीएम्बल से हमें कुछ आइडियाज मिलते हैं, जैसे प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स आइडियाज, वो कौन कौन से आइडियाज हैं, जैसे सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। तो प्रीएम्बल की पहली लाइन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा बता रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी जो इंडिया है उसकी नेचर कैसी है, जैसे प्रेम्बल में लिखा है सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो भी आगे देखेंगे कीवर्ड्स में। आगे बता रहे हैं कि जो प्रेम्बल है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रेम्बल के ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव है कि ये समाज में अखंडता बनाए रखने और एक महान राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। लास्ट में लिखा है इसके एडॉप्ट करने की डेट, वो है 26 नवंबर 1946। तो ये आइडिया हमें प्रियम्बल से मिल जाते हैं। अब हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, तो इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं इन कीवर्ड्स को, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से सुनना। मैंने नेचर ऑफ इंडिया की बात की थी, नेचर ऑफ इंडिया, तो इंडिया कैसा होना चाहिए, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। इससे पहले एक लाइन और लिखी है प्रेम्बल में, सबसे पहली लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है। मोस्टली एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसका मतलब है कि जो भारत की जो जनता है सोवरेन है, वो किसी के अधीन नहीं है, और ये जो प्रियम्बल है ये इसी की तरफ से लिखी गई है, लिखी भले ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, लेकिन ये लिखी इसी की तरफ से गई है। अब हम ये कीवर्ड्स देखते हैं, जैसे पहला कीवर्ड है सोवरेन। सोवरेन होने का मतलब क्या है, सोवरेन होने का मतलब है कि जो इंडिया है वो किसी का गुलाम नहीं है, या यहाँ की सत्ता जो है वो अपने फैसले अपने डिसीजन खुद लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएनओ के साथ कोई ट्रीटी है, तो हमारी अपनी मर्जी से है, हमारे अपने इंडिया के फायदे के लिए, ऐसे कोई एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें हम किसी से बंधे हुए नहीं है, वो हमारा खुद का डिसीजन है, हमारे कंट्री का, हमारी गवर्नमेंट का खुद का डिसीजन है। तो सोवरेन होने का मतलब इतना है कि हम किसी दूसरी सत्ता के अधीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजादी से पहले जो इंडिया था वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, तो उस टाइम हम सोवरेन नहीं थे, आज हम सोवरेन हैं। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट होने का क्या मतलब है? इसको आप दो बातों से समझो, पहले हाँ सोशल इक्वेलिटी होना यानी सामाजिक समानता होना, दूसरा है इकोनॉमिक इक्वेलिटी होना, इकोनॉमिक इक्वेलिटी होना। सोशल इक्वल होने का मतलब क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट के अंदर आप देखोगे आर्टिकल 15, 16, उसमें जो है रिजर्वेशन जैसी चीजें दी गई है जो सोशल इक्वल करती है। ऐसी आर्टिकल ये हो गया 15, हो गया 16, हो गया और 17। 17 क्या है? ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि सबके साथ जो है समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं सोशलिस्ट होने का मतलब क्या है। सोशलिस्ट इसके लिए दो कीवर्ड्स देखते हैं। पहला है सोशल इक्वेलिटी, सोशल इक्वेलिटी। दूसरा है इकोनॉमिक इक्वेलिटी, इकोनॉमिक इक्वेलिटी। सोशल इक्वेलिटी ये दिखेगी आपको आर्टिकल 15, 16 और 17, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ऐसे जो इकोनॉमिक जो है इक्वेलिटी है, ये क्या होती है? जो हमारे रिसोर्सेज है उनका बंटवारा सबके साथ न्यायमूलक होना चाहिए, जस्टिसेबल होना चाहिए। अगला वर्ड है सेकुलर। ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड, ये दोनों वर्ड वो है जो 42nd अमेंडमेंट 1976 से प्रेम्बल में जोड़े गए थे। तो सेकुलर होने का मतलब क्या है? सेकुलर होने का मतलब है कि राज्य का है या इंडिया का है, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, लेकिन जो स्टेट है वो सभी रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक फूलों का एक बागीचा है, उसका माली उन फूलों में से अगर ये कहे कि मुझे एक फूल पसंद है तो बाकी फूलों के लिए भेदभाव होगा। ऐसे स्टेट के लिए जो सब रिलीजन है वो बराबर है, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। और ये चीजें आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 25 से 28, जहाँ पे रिलीजन की फ्रीडम दी गई है। ऐसे ही अगला वर्ड देखते हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इन दोनों को हम देखते हैं। डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या है? हिंदी में लिखा है लोकतंत्र, यानी लोगों का तंत्र, यानी जहां जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है। गवर्नमेंट जो है उसका चुनाव जो है जनता द्वारा होता है। रिपब्लिक होने का मतलब क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुना जाता है रिपब्लिक में। लेकिन जैसे अगर कोई रिपब्लिक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, ब्रिटेन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पे क्राउन है, तो वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है क्राउन, वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता, वो क्या है, वो वहां हेरिडेटरी है। अब देखते हैं थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस। पहला है इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। इन तीनों का मतलब समझते हैं। ये मिलेगा आपको आर्टिकल डीपीएसपी में, डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में। थ्री टाइप ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? जैसे आर्टिकल 39D, 39B, ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन की। जैसे किसी कंपनी में एक ही पद पे एक महिला भी काम कर रही है और एक पुरुष भी काम कर रहा है और दोनों बराबर ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसमें ये भेदभाव नहीं हो सकता कि भाई पुरुष काम कर रहा है तो इसको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, या कास्ट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जो है इक्वल काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी इक्वल होनी चाहिए। तो एक तरह का इकोनॉमिक जस्टिस हुआ। दूसरा इसमें देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उनसे टैक्स वसूलती है, और जो गरीब लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा उनको मनरेगा के थ्रू उनको रोजगार दिया जाता है। तो ये हुआ इकोनॉमिक जस्टिस। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, टैक्स लगा के जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे टैक्स लेना,
और जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा उनको मनरेगा के थ्रू रोजगार देना। ऐसे ये बात करते हैं सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिजर्वेशन। जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक जो सिविल सर्वेंट है उसका एक गुण होना चाहिए एम्पैथी का। एम्पैथी क्या होती है? जब दूसरे की सिचुएशन को अपनी फीलिंग्स में समझा जाता है, मतलब या दूसरे की जो फीलिंग्स है उन्हें अपना मान के समझा जाता है। तो ऐसे ही आप देखो रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन को आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे आपकी कोई फैमिली है उसमें 5-6 मेंबर है। अब उसमें एक छोटा सा बच्चा है 4 या 5 साल का, एक लड़की है 10 साल की, एक और महिला है 30 साल की। तो इनमें मान लो इस बच्चे को प्रॉब्लम है, ये बीमार रहता है, और एक यंग है, यंग पर्सन है 25 साल का, और आप इनकी एक इवेंट कराना चाह रहे हैं कि भाई इनको जो है 400 मीटर की एक रेस करनी है। तो आप खुद सोचो जब आपकी फैमिली की इवेंट है और यहाँ से स्टार्ट है, तो जो यंग है उसको यहाँ खड़ा करोगे आप, जो 4 या 5 साल का बच्चा है उसको यहाँ खड़ा कर दोगे, ये 10 साल वाला बीमार रहता है इसको और आगे खड़ा कर दोगे, ये वुमेन है इसकी कैपेसिटी नहीं है इतना तेज दौड़ने की, तो इसे भी यहीं कहीं खड़ा कर दोगे। तो यही इक्वलिटी है, यही सोशल जस्टिस है। अब देखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। पॉलिटिकल जस्टिस जहाँ वोटिंग करने का राइट हो, वोटिंग राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर एज, ये रूल है कि 18 साल एज होनी चाहिए वोटिंग करने के लिए। तो अगर आपकी एज 18 साल है और आपको वोट करने का अधिकार है और उसमें कोई भेदभाव नहीं, तो यही है पॉलिटिकल जस्टिस। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 326 में देखने को मिलेगा आपको। ऐसे ही इलेक्शन लड़ने का, मान लो आप कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एज को लेके वो आपके पास होनी चाहिए। बाकी आपके साथ इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता कि आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है। तो ये है पॉलिटिकल जस्टिस। अब बात करते हैं फाइव टाइप ऑफ लिबर्टी। फाइव टाइप ऑफ लिबर्टी जो है वो है, ये आपको फंडामेंटल राइट में देखने को मिल जाएगी ये चीज़ें। पहली है थॉट्स या विचार, दूसरी है एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति, ये आपको मिलेगी आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट में। फिर है बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये तीनों आपको मिलेगी आर्टिकल 25 से 28 के बीच। अब हम देखते हैं कि जो लिबर्टी है, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, पहली मेज आप देखो ये वाली, इसमें एक पिंजरा है, इसमें से ये चिड़िया उड़ के जा रही है, तो इसको ना ये पिंजरा खोल के इसको लिबर्टी दी जा रही है। वहीं नीचे मछली इस पोर्ट में है, ये इसमें से उछल के इसमें जा रही है, यानी इसके पास फ्रीडम है। तो जो लिबर्टी है, लिबर्टी सेंक्शन की जाती है, लिबर्टी सेंक्शन की जाती लिबर्टी सेंक्शन की जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से मिलती है। फ्रीडम जो है ये एक इंडिविजुअल राइट है, इंडिविजुअल राइट है, फ्रीडम जो है इंडिविजुअल राइट है, इसको हम नेचुरल राइट भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इक्वलिटी की। इक्वलिटी में मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको जो रिजर्वेशन वाला एग्जांपल दिया था वही बेस्ट है, आर्टिकल 15 और 16। इसमें क्या है कि इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया है ना वही इक्वलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, इसका मतलब है कि भाईचारे की जो भावना है उसको बढ़ाना, और उससे क्या है कि लोगों के साथ जब भावनात्मक लगाव है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो उससे जो है राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र की गरिमा बढ़ेगी, राष्ट्र की एकता बढ़ेगी। ऐसी ये एक इमेज लिए, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 फरवरी को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी का होता है, ये आप ध्यान रखने, किसी भी पीसीएस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ प्रेम बल,
यानी प्रीएम्बल का क्या स्टेटस है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? देखो आज के टाइम में जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, नो डाउट। इससे रिलेटेड कई केस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इनका सिक्वेंस ध्यान रखना है, ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला केस है बेरुबारी केस। ये जो बेरुबारी केस है 1960 का है, और ये बेरुबारी एक लैंड थी जिसको लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट था, क्योंकि जो माउंटबेटन प्लान थी उसके तहत इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। तो इस बंटवारे में जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, बेरुबारी को वो इंडिया के रिकॉर्ड में लिखना भूल गए थे, तो पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाते हुए इसकी डिमांड की। इसके लिए 1958 में, 1958 में नेहरू नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेहरू नून एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? तो इसमें ये एग्रीमेंट हुआ कि इस हिस्से को बराबर बराबर बांट लेते हैं। फिर पार्लियामेंट के सामने ये प्रॉब्लम आई कि क्या इंडिया की कोई लैंड किसी दूसरे कंट्री को दी जा सकती है, तो इसी में क्या हुआ, आर्टिकल 143(1) की पावर का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टाइम के प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछे सुप्रीम कोर्ट से, क्या जो इंडिया की जो लैंड है वो किसी दूसरे कंट्री को दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये 8 जजों की बेंच थी, आपको ध्यान रखना है इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा, प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए 368 के तहत इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो इस केस में प्रियम्बल को कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973, बड़ा फेमस केस है क्योंकि इसमें अब तक की सबसे बड़ी जज जो जुडिशियल बेंच है वो बैठी थी। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया, और इसी बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट से क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट मनमाने तरीके से जो अमेंडमेंट करती जा रही थी उस पर एक तरह से लगाम लग गई, यानी बैलेंस ऑफ पावर अब बन गया। तो इसमें इस केस में जो है डिसीजन ये आया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगी, लेकिन उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो लॉज एंड आर्टिकल्स के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगी। इसके बाद एक केहर सिंह केस भी आया था, केहर सिंह केस आया था 1986। इस केस में प्रियम्बल को आदर्श रूप कहा गया। ऐसे ही LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रियम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग माना, यानी जो प्रियम्बल है वो अभिन्न अंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब इसे कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल। इसके लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें तीन वर्ड जोड़े गए, पहला वर्ड था सोशलिस्ट, सेकुलर, और तीसरा वर्ड था इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैंने ये बनाई आपके लिए PPT में, सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़े गए, यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज कर दिया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से, और ये एक डेट लिखी है, ये आप ध्यान रखना। इस डेट से जो है ये प्रियम्बल वाला जो अमेंडमेंट हुआ था ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 से। अब प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ PYQ कर लेते हैं जो UPSC के हैं, और उसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ ऑन 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को इंडिया की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी वो क्या थी। अब आप पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दूसरा ऑप्शन है, अब
इसको हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन फोर क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। तो आप ये देखो कि सोशलिस्ट और जो सेकुलर वर्ड है ये जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे तीसरे में कह रहा है सोवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, यहाँ भी सेकुलर आ गया, ये भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन बचे। अब इन दो ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा है लेकिन सोवरन तो था ना उस टाइम, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये 2020 का क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, ये बात अपने आप में ठीक लग रही है, लेकिन आगे पढ़ते हैं पहले। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, मतलब जो अदर पार्ट है उन्हीं की तरह, उनकी तरह ही एक लीगल इफेक्ट रखती है, नहीं रखती। जो 1995 का जो LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें कहा गया था कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये जस्टिसेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी और ऑप्शन ए बचा। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है पर ये कोई लीगल इफेक्ट नहीं रखती अकेले, तो ये इससे ऑप्शन ए से कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत के संविधान के निर्माताओं का दिमाग निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है। बड़ा सीधा सा आंसर है इसका, इसका आंसर होगा द, इसका आंसर होगा द प्रियम्बल, क्योंकि जो प्रियम्बल है वो फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और वही बात इसमें पूछी है कि जो मेकर्स का जो दिमाग था वो इनमें से किस में दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो गया द प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन देखो ए बी सी डी, इसमें देखो तीन ऑप्शन में आपको लिबर्टी लिबर्टी लिबर्टी, आगे पढ़ो क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स होता है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। मैंने आपको लिबर्टी बताई थी, लिबर्टी जो है 5 टाइप्स की है, तीन टाइप्स की यहाँ पे दे रखी है, और जो इकोनॉमिक लिबर्टी है ये इकोनॉमिक लिबर्टी होती नहीं, ये जस्टिस होता है एक्चुअली। 3 टाइप ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दे दिया इसने, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, मतलब कौन सा जस्टिस सभी सिटीजन को दिए गए हैं, तो मैंने बताया था 3 टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब ये देखो ये कह रहा है सोशल, रिलीजन, रिलीजन तो कोई जस्टिस है ही नहीं, पॉलिटिकल और सोशल है, दूसरा ऑप्शन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, कल्चरल कोई जस्टिस नहीं है, फिर है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये आंसर हो जाएगा। चेक इसको भी कर लेते हैं, मोर देन वन ये आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है उनकी सिक्वेंसिंग बतानी है कैसे है? जैसे ये देख लो, ये देख लो फ्रेटर्निटी, ये तो सबसे लास्ट का वर्ड है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है इक्वेलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ठीक है फ्रेटर्निटी लास्ट का है, लेकिन आप देखना जस्टिस और लिबर्टी में जो 3 टाइप ऑफ जस्टिस है वो पहले हैं और 5 टाइप ऑफ लिबर्टी इसके बाद है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब है लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी, ठीक है फ्रेटर्निटी बाद में है, यहाँ जस्टिस और ये जस्टिस से पहले लिबर्टी आ गई, ठीक है लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस। अब ये देखो जस्टिस पहले है लिबर्टी से, ठीक है, लेकिन जो इक्वलिटी है अब ये बीच में आ गई, इसको आगे होना चाहिए था, तो सही आंसर हुआ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ,
भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है वो किस देश की प्रस्तावना से प्रेरित थी। तो मैंने आपको शुरू में बताया गया था कि जो यूएसए था वो पहला कंट्री था जिसने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, बाकी सभी कंट्री ने प्रीएम्बल को वहीं से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक्स के नाम से ऐड किया है, स्टेट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है एक्स और उसके सामने ऑप्शन, ठीक है, और ये बताना है जरूर आपको क्योंकि ये स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाई के नाम से मैंने सेट किया, विच केस इज रिलेटेड टू प्रियम्बल। वन, केशवानंद भारती केस 1973, रे बेरुवारी केस 1960, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995, केयर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। एक ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन करेक्ट है, तीन ऑप्शन करेक्ट है, या सभी चारों करेक्ट हैं। तो ये भी आपको वाई और उसके सामने उसका आंसर ABCD करके कमेंट करना है। तो थैंक यू आज की क्लास, तो आज की क्लास यहीं खत्म होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।